कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने सरकार से गेहूं खरीदी की एक तिथि एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। कुंवर सिंह रीवा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं किसान नेता कंवर सिंह ने मांग की है कि बिंद क्षेत्र में अभी भी किसानों की कटाई और गहाई नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की गेहूं खरीदी की तारीख 15 मई नियत की गई थी, जिस कारण किसान गेहूं खरीद से वंचित रह सकते हैं। कुंवर सिंह ने याद दिलाते हुए कहा कि बुवाई देरी से होने के कारण किसानों की कटाई और गहाई बची हुई है, इस कारण भी किसानों का समर्थन मूल्य में गेहूं बेचने से वंचित किया जा रहा है। तत्काल गेहूं खरीदी की तारीख एक सप्ताह बिंद क्षेत्र के लिए बढ़ाए जाने पर किसानों के लिए हितकर का होगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। कैसे हो रही है, क्या मांग है आपकी, रेट बढ़ाई जाए इसकी? मध्य प्रदेश सरकार ने 15 मई गेहूं खरीदी की तारीख नियत की है, लेकिन हमारा रीवा क्षेत्र सिमरिया क्षेत्र में गेहूं की फसल अभी भी खेतों में पड़ी हुई है और किसान थ्रेसरिंग कर रहा, थ्रेसर के माध्यम से लाइट की समस्या आप देख ही रहे, बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण अभी तक गेहूं की गहाई नहीं कर पाया है और कल अंतिम डेट है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक सप्ताह गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए ताकि समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदा जा सके। अभी लगभग कितने फीसदी किसान बचे होंगे जिनका गेहूं अभी नहीं बिक पाया? आंकड़ों के हिसाब से आप देखिए 70% पंजीयन की 70% किसानों ने अपना गेहूं बेचा, 30% किसान अभी भी अपना गेहूं नहीं ले जा पाए हैं, तो कैसे वो एक दिन में बेच पाएंगे? हम कहते हैं कि यदि डेट बढ़ेगी तभी किसान को समर्थन मूल्य में गेहूं बिक पाएगा।